नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। और इस समय हम आए हुए हैं पटना में, पटना के ज्ञान भवन में TTF एग्जीबिशन चल रहा है। और यह एग्जीबिशन दो दिनों के लिए था, 7 और 8 अक्टूबर के लिए। और TTF एग्जीबिशन का मतलब हुआ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। और यहाँ देश विदेश से, भारत से और बाहर से सैकड़ों टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियाँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनका प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया है ज्ञान भवन पटना में। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है और बने रहे वीडियो में। और अभी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद। मेला क्षेत्र में आप आते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए, काउंटर पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, टिकट मिलता है उसे लेकर के, टिकट को लेकर फिर अंदर में एंट्री करना होता है। ये एंट्री का गेट है। इस वक्त आए हुए हैं पटना के ज्ञान भवन में और आज है 8 अक्टूबर 2023। और यहाँ पटना के ज्ञान भवन में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर लगा हुआ है। तो इस फेयर में भारत के जितने भी प्रमुख ट्रेवल एजेंसियाँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं वो सारा अपना एक 2 दिवसीय स्टॉल लगाए हुए हैं। फेयर में तरह तरह के स्टॉल्स बने हुए हैं। यहाँ बहुत सारी सरकारी एवं प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जिनसे आप ट्रेवल एंड टूरिज्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम का नाम TTF रखा गया है, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एजेंसियाँ आई हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं चैनल हमारा उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इस फेयर में आए हैं। बने रहे वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए हिमालयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपाल का ये स्टॉल है। तो हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपाल का स्टॉल और ये पॉपुलर टूर एंड ट्रेवल्स पटना का। तो हर ट्रेवल एजेंसी का यहाँ पे स्टॉल है। तो और यहाँ से आप देखिए दरवाल फुलार, दरवाल फुलार होटल बैंक्वेट क्लब ये, और अरुण्या होटल है रिसोर्ट का ये। तो हर एजेंसी का ये प्रोग्राम हो रहा है मंच, तो मंच है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पूरे भारत से एजेंसियाँ हैं जो है वो सरकारी हो जाती है, सभी यहाँ आई हुई है। और बने रहे जो मिलते हैं आगे आते हैं। तो ये देखिए प्रोग्राम कैलेंडर है। और ये देखिए झारखंड टूरिज्म का ये स्टॉल है। और यहाँ पे भी सारे स्टाफ बैठे हुए, तो झारखंड टूरिज्म का स्टॉल पे ये सारे बुक्स हैं। और इसके बाद टूरिज्म होटल का स्टॉल है, वो देखिए अतुल्या होटल का स्टॉल। तो टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां, होटल्स, रेस्टोरेंट हैं वे सारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हरियाणा का स्टॉल है। तो हरियाणा के स्टॉल पे हरियाणा के जितने भी जो टूर एंड ट्रेवल्स से संबंधित टूरिज्म के हैं, जैसे सूरज कुंड मेला का, वहाँ देखिए आप चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। स्टॉल है बाराही हॉस्पिटलिटी नेपाल का, इसलिए आपको इसमें मिलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आवास जो छोटी प्रॉपर्टी है, 30 रूम प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे आपको 4000 में ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, 4000 INR ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड पैकेज मिल जाता है। अच्छा, उसको इन प्रोग्रामिंग एक 80 रूम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, 80 रूम जिसमें ऑलमोस्ट INR 10,000 तक आपको ब्रेकफास्ट के साथ मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो विद फैमिली है या ऐसे है? विदाउट दो लोगों के लिए, दो लोगों का, यस डबल रूम। लेकिन हमारी एक और प्रीमियम प्रॉपर्टी है चितवन में, बराही जंगल लॉज। अच्छा, ये जो बराही जंगल लॉज में दो लोगों के लिए 25,000 INR हम लोग चार्ज करते हैं दो लोगों का, लेकिन उसमें मील भी इंक्लूड रहता है। अच्छा, एक्टिविटीज भी इंक्लूड रहती है। अच्छा, अब मील और एक्टिविटीज में बात करेंगे तो एक्टिविटीज में हम लोग सफारी करते हैं, जैसे बोट राइड है और जंगल सफारी है, नेचर सफारी, नेचर सफारी। Yes. तो ये प्रीमियम सेगमेंट में दो तीन वहाँ पर प्रॉपर्टीज है, जैसे एक हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये है नेपाल के बराही हॉस्पिटल हॉस्पिटल। हाँ, तो इनसे हमने अभी बात किया। तो ये रूम है, अच्छा अच्छा, हाँ स्पा है, फिटनेस सेंटर है। अच्छा, हमारे पास टोटल 50 रूम है। 50 रूम्स है, 50 रूम की प्रॉपर्टी है। तो ये होटल क्लासिक प्लाजा जीतपुर, जीतपुर सिमरा, सिमरा नेपाल में है। हाँ जी। तो वहाँ चार्जेज वगैरह क्या है? हमारे चार्ज है NPR 5000 से स्टार्ट है। अच्छा, NPR और
इंडियन 3000 से लेकर 10000 तक। अच्छा, उसमें मतलब सिंगल है या फिर डबल? कपल्स के साथ है, डबल्स है? सिंगल डबल, सिंगल का 3000 है, डबल का 3500 हो गया। अच्छा, उसके बाद उससे हाई का प्रीमियम में 4000-4500 है। अच्छा, उसके बाद लग्जरी ड्रेस में 5000-5500 है, सूट में 10000-12000 का रेंज ऐसा है। अच्छा अच्छा, और उसमें जो आप चार्जेज बता रहे हो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है? अच्छा अच्छा, मील्स वगैरह? हाँ जी, मील्स एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट है? हाँ जी। अच्छा, और वहाँ आपके पास नेचर सफारी वगैरह घूमने के लिए? हाँ, हमारे पास परसा निकुंज है, परसा निकुंज में आपको घुमा सकते हैं। अच्छा, परसा निकुंज में 10-12 किलोमीटर हमारे होटल से वो है। अच्छा, वहाँ आप घुमा सकते हैं एकदम। तो ये आपके यहाँ? ठीक, ओके। इस बार टूरिज्म का ये स्टॉल है तो आपको यहाँ पे दिखलाते हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ टूरिज्म में जो है बुद्ध विहार और ये सारे जो है छत्तीसगढ़ स्टॉल में जितने भी छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट पैलेस सबको दिखलाया गया है, तो आपको यहाँ पे दिखलाते हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ का स्टॉल है इसमें देखिए सारे बुक्स रखे हुए हैं, और इन बुकों में जो भी छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट पैलेस हैं उन सबका डिटेल्स है। तो बने रहे वीडियो में और आगे आपको दिखलाते हैं रियो गार्डन मदुरई। तो ये देखिए मदुरई का स्टोन है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं तमिलनाडु। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु हेयर स्टोरी नेवर एंड, मतलब जहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती है, तो ये तमिलनाडु का स्टॉल है। तो यदि आप तमिलनाडु घूमना चाहते तो यहाँ उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तमिलनाडु टूरिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो चलिए इस पे जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए तमिलनाडु का स्टॉल पे टूरिस्ट मैप ऑफ तमिलनाडु यहाँ पे है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, और ये सब यहाँ पे स्टाफ हैं जो तमिलनाडु टूरिज्म के बारे में बतला। पैनलिस्ट के द्वारा हमने बिहार राज्य के इतिहास, शास्त्रीय और यहाँ कश्मीर, लद्दाख, दुबई, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब का टूर कराया जाता है, और टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्पोर्ट्स वीजा, स्टडी वीजा, ये सब का भी काम होता है। और ये देखिए अंडमान, तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह भारत का है वहाँ का ये स्टॉल है, तो काला पानी के बारे में दिखाया गया है। यदि अंडमान निकोबार जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अंडमान, तो ये अंडमान में का जो स्टॉल है वहाँ से है, तो हम उनके बारे में जानकारी लेंगे, बताइए। मेरा नाम साकेत विश्वास है, मैं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ डिस्कवर अंडमान हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी जो है अंडमान में ही बेस्ड है, हम अंडमान से आए हैं और पटना में TTS के थ्रू हम अंडमान को प्रमोट करने आए हैं। अंडमान के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो अंडमान एक ऑल इन वन डेस्टिनेशन है। हमारे वहाँ पहाड़ भी है, समंदर भी है, घने जंगल भी है। अंडमान मेनली तीन चीजों के लिए बहुत फेमस है। फर्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ अंडमान, जिसमें आप इस तरफ देख सकते हैं सदाए काला पानी सेलुलर जेल है। तो अंडमान में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही पुराना इतिहास है, जिसको आप आके देख सकते हैं। सेकंड इज एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्कूबा डाइविंग या मेरी दाई और देखे तो कयाकिंग, ये जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स है ये भी, इसके लिए भी लोग अंडमान में सैलानी खींचे चले आते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल ब्यूटी है अंडमान में, राधानगर बीच जो एक ब्लू फ्लैग बीच है, या फिर भरतपुर बीच, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप आइलैंड्स में, इन चीज़ों को देखने के लिए भी लोग आते हैं। हम जो आज प्रमोट कर रहे हैं अंडमान के टूर पैकेजेस, वो 15,500 रुपये से शुरू होता है 5 नाइट 6 डेज का, और इसके आगे भी जो टूर पैकेजेस है, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ डेज बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसके कॉस्ट बदलते रहते हैं। तो आपने बताया कि 15,000 से जो आपका पैकेज स्टार्ट है, कितने दिन का है बतला रहे हैं? 15,500 रुपये से हमारा जो पैकेज शुरू होता है वो 5 नाइट 6 डेज का होता है। तो उसमें मतलब क्या हम 5 दिन में पूरा अंडमान कवर कर सकते हैं? देखिए सर, अंडमान तो बहुत बड़ा है,
yes. तो पांच दिन में पूरा तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन पांच दिन में जो टूरिस्ट जो मेनली देखने के लिए आते हैं पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये तीनों आइलैंड्स आप कवर कर सकते हैं। आप क्रूज से हम आपको लेके जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप, और शहीद द्वीप से वापस आपको पोर्ट ब्लेयर लेके आएंगे। इसमें आपका होटल का किराया इंक्लूड रहता है, डेली कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, एयर कंडीशन गाड़ियां एट योर डिस्पोजल आपको लेके जाने के लिए वो इंक्लूड रहता है, क्रूज का किराया इंक्लूड रहता है जो इन तीनों आइलैंड्स में जाने के लिए। इसके अलावा एंट्री फीस ये सभी इसमें इंक्लूड रहते हैं। आपको सिर्फ लंच एंड डिनर का खर्चा उठाना होता है, और कनेक्टिविटी जो है पोर्ट ब्लेयर के लिए आप पटना से वाया कलकत्ता या वाया दिल्ली जा सकते हैं। ये जो एयरफेयर है ये एक्सक्लूडेड रहता है, इसका आपको खुद पे करना पड़ता है, बाकी 15,500 में हम बाकी चीजें आपके लिए करके देते हैं। तो हमको मतलब जो आने जाने का जो फ्लाइट का किराया, फ्लाइट का किराया के साथ कितना पड़ सकता है? फ्लाइट का किराया सर डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है। yes, तो वैसे हम कोई अभी आपको बता नहीं सकते। अभी अगर आप मेरे अगले हफ्ते 10 दिन का पूछोगे तो अभी का किराया करीब कलकत्ता से 7,000 से 8,000 का चल रहा है। इसके बाद नवंबर में दिवाली सीजन शुरू हो जाएगा तो 10 से 12 हो जाएगा, न्यू ईयर में 20,000 भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 5,000 से 10,000 के बीच में इसका किराया रहता है वन वे पर पर्सन। मतलब तो ये हमको इतना एक्स्ट्रा लग जाएगा? हाँ, ये फ्लाइट का किराया पूरा। और आपका 15,500 का जो टूर है उसमें उधर का पूरा है? वो उधर का है, वो सिंगल पर्सन का है कि सिंगल पर्सन? सिंगल पर्सन। और यदि डबल कपल्स के साथ कोई जाए? वैसे उसी के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता रहेगा, दो लोग हैं तो 30,000 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर ग्रुप है तो उसके लिए हम रिकॉस्टिंग करते हैं, डिपेंड्स कितने लोग हैं। अच्छा जी, तो फ्लाइट से के लिए हमको कलकत्ता ठीक रहेगा? पटना से हाँ, कलकत्ता आपका नजदीक रहेगा। नजदीक रहेगा जी। कितना समय लगता है कलकत्ता? 2 घंटे लगते हैं कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के लिए। अच्छा ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। हम आए हुए हैं पटना के भवन में और यहाँ टीटीएफ चल रहा है। टीटीएफ का मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, जो कि बिहार में पहली बार अपनी तरह एग्जीबिशन लगाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म का स्टॉल है। तो यहाँ से आप जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं, और हर स्टॉल्स पर जानकारी देने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं दिखलाते हैं, आप बने रहिए बुक में, इससे अच्छी अच्छी जानकारियाँ टूरिस्ट से संबंधित प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप इस स्टॉल पर दिखलाते हैं, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के स्टॉल्स में कुछ यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टीटीएफ लिखा हुआ है। तो इस जो आज का प्रोग्राम है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, इसे टीटीएफ नाम दिया गया है, और यह 7 और 8 अक्टूबर को 2 दिनों के लिए सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन पटना में रखा गया है। और यह है वैसे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो ट्रेवलिंग में या टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार टूरिज्म लिखा हुआ, तो बने रहिए वीडियो में, और यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के स्टॉल में एक कार्यक्रम हो रहा है, और इंडियन टूरिज्म पटना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन टूरिज्म सेंट्रल सरकार का स्टॉल है, तो चलते हैं इस स्टॉल पर और यहाँ से कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ दार्जिलिंग ट्रेवलिंग के बारे में बताया हुआ है, हालांकि दार्जिलिंग होकर है। तो एक बार फिर से आपको दिखलाते हैं पूरा घूम कर, और फिर हम चलेंगे बाहर। तो ये था टीटीएफ प्रोग्राम ट्रेवल एंड टूरिज्म अपना ज्ञान भवन में। तो लगभग 2 घंटे हम इस मेले में घूमे। तो यहाँ आने के बाद टूरिस्ट और टूरिज्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। फाइनली अब हम लोग चलते हैं इस एग्जीबिशन प्रदर्शनी से, पूरा हमने देख लिया है कि हम बैग में 2-2 बैग कागजात ले लिए हैं। इसमें सारे जो इंडिया और इंडिया से बाहर के टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो सारे का डिटेल्स है इसमें, और बहुत सारे विजिटिंग कार्ड हैं, कम से कम ये 3 से 4 के जो बैग हो गया है। तो हम चलते हैं हम लोग टीटीएफ से।